हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों, आज फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आशा पावर के सोलर चार्ज कंट्रोलर की, जो कि फ्रेंड एक SMU है, जो कि आपके एक नॉर्मल इन्वर्टर को एक सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट कर देगा। और फ्रेंड, ये MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर है, MPPT SMU या MPPT सोलर मैनेजमेंट यूनिट भी आप इसको बोल सकते हो। ये फ्रेंड एक SMU है। यहाँ पे देखिए, आप देख पा रहे होंगे क्लियरली, यहाँ पे इसमें डिस्प्ले भी है जिसपे सारे पैरामीटर दिखाए जाएंगे और साथ इसमें LED भी है। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रेंड कि ये 50 एम्पियर का सोलर चार्ज कंट्रोलर, इसका मॉडल है सोलर MPPT SMU सूर्या 50। यहाँ पे फ्रेंड देखिए, 50 एम्पियर का सोलर चार्ज कंट्रोलर है, जो कि देखिए, यदि आप इस पर सिंगल बैटरी के साथ इसको यूज़ करोगे तो फ्रेंड आप इस पर जो 1000 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हो। और जो आपके सोलर पैनल की VOC है, जो VOC आप लगा सकते हो, इस पर 100 वोल्ट VOC के सोलर पैनल लगा सकते हो, मतलब 24 वोल्ट के सोलर पैनल भी बहुत ही आराम से सिंगल बैटरी पर दो पैनल आप सीरीज में लगा सकते हो, 24 वोल्ट वाले पैनल भी जिनकी VOC 50 से कम हो। और फ्रेंड, यदि आप डबल बैटरी के साथ इसको यूज़ कर रहे हो तो फ्रेंड आप इस पर 140 वोल्ट VOC तक के पैनल लगा सकते हो, और साथ ही आप इस पर मैक्सिमम जो सोलर पैनल है वो 1600 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हो फ्रेंड। तो फ्रेंड, ये 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों पे काम करता है। 12 वोल्ट सिस्टम पर आप 24 वोल्ट के दो पैनल सीरीज में भी लगा सकते हो इसमें। बाकी इन्वर्टर में ऐसा नहीं होता, उनकी VOC 85 तक होती है, जहाँ पर आप 24 वोल्ट के सोलर पैनल सीरीज में सिंगल बैटरी पर नहीं लगा सकते हो। और फ्रेंड साथ ही देखिए, यहाँ पे इसकी VOC बहुत ही ज़्यादा है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि यदि फ्रेंड आपने देखिए दो पैनल सीरीज में लगा दिए 24 वोल्ट के, तो फ्रेंड वहाँ पे करंट क्या है, आधा हो जाता है। तो फ्रेंड वहाँ पे आपको जो आप केबल यूज़ कर रहे हो आपके सोलर सिस्टम के साथ, उसका साइज़ बहुत ही कम हो जाएगा, मतलब 6 mm की केबल से भी आपका काम चल जाएगा 1000 वाट के पैनल पर। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, आगे देखते हैं हम। हाँ देखिए, यहाँ पे 4 स्टेज में बैटरी चार्ज होती है, जिससे कि आपकी बैटरी की लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है, साथ ही आपके बैटरी का बैकअप भी काफ़ी बढ़ जाता है। ऑब्जर्वेशन, फ्लोट, इक्वलाइजिंग और यहाँ पे फ्रेंड हाई, इसकी VOC बहुत ज़्यादा है, जिस पर आप 24 वोल्ट के सोलर पैनल भी बहुत ही आराम से सीरीज में लगा सकते हो। जिससे कि फ़ायदा क्या होता है कि आपके जो सोलर की केबल है, DC सोलर केबल है, उसका साइज़ बहुत ही कम हो जाएगा, मतलब हम बहुत से बहुत कम साइज़ की सोलर केबल भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारे पैसे बचेंगे, हम 10 mm की सोलर केबल की जगह 6 mm की सोलर केबल ही यूज़ करेंगे। और सभी बैटरी सपोर्टेड है, यहाँ पे लेड एसिड लिथियम बैटरी भी सपोर्टेड है। देखिए यहाँ पे जो इसके मेन फीचर है वो देख लेते हैं। देखिए, डिस्प्ले इनपुट करंट और आउटपुट करंट एंड वाट्स, ये सब कुछ डिस्प्ले पे दिखाता है, कितना करंट आ रहा है सोलर से, कितना आप करंट ले रहे हो आउटपुट में। और 4 स्टेज में बैटरी चार्ज होती है। और फ्रेंड इसकी एफिशिएंसी 98.9% है, बहुत ही हाई ट्रैकिंग एफिशिएंसी है। और फ्रेंड इनिशियल करंट को ये लिमिट करता है कि अगर और ये जब भी सोलर अवेलेबल होगा तो ग्रिड को ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट कर देगा। और यहाँ पे आप बहुत ही इजीली रीसेट फैक्ट्री कर सकते हो, और इसका इंस्टॉलेशन बहुत ही इजी है। और जैसे ही नाइट होगी फ्रेंड, ये ऑटोमेटिकली आपके सोलर पैनल को डिस्कनेक्ट कर देगा। देखिए यहाँ पे और भी है, बहुत सारे इसके फीचर दिखाए गए। बाईपास ऑन कर देता है जैसे ही ग्रिड चार्जिंग, फ्रेंड ऑटोमेटिकली ग्रिड को एडजस्ट कर देता है, ठीक है। और 2 साल की यहाँ पे फुल वारंटी है, 2 साल की। यहाँ पे देखिए आप फ्रेंड डबल बैटरी के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हो सिस्टम को, जो कि आपके एक नॉर्मल इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पे जो मैक्सिमम VOC रेंज है 24 वोल्ट डबल बैटरी सिस्टम के लिए, वो है फ्रेंड 140 वोल्ट, और आप लगभग इस पर 1600 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हो। और यहाँ पे यदि फ्रेंड आप सिंगल बैटरी के साथ यूज़ कर रहे हो तो भी यहाँ पे फ्रेंड जो VOC रेंज है वो 100 वोल्ट है, और लगभग आप 1000 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हो। थैंक यू सो मच।